मूविंग टू नालंदा। मैंने सोचा कि इको फ्रेंडली वे ऑटो ही लेना चाहिए, तो मैंने वही लिया है। आई हैव सेलेक्टेड द इको फ्रेंडली वे ऑफ ट्रैवलिंग टू नालंदा। इट्स योर चॉइस, आपकी इच्छा, आपको जो अच्छा लगे वो आप। कितने बजे ओपन होगा? 9 बजे। नालंदा टूरिस्ट गाइड। सो नाउ इट्स ओपन। बेचते हो नालंदा का? कितने का है? नालंदा महाविहार। गाड़ी चला गया पता नहीं। काफी लोग हैं यहाँ पे, तो भीड़ काफी है, देख सकते हैं काफी भीड़ है सामने। बट लगेज काउंट क्लॉक रूम इज देयर और नॉट, लेट मी चेक। दिख नहीं रहा है, टिकट काउंटर यहाँ पे है। सब टिकट कितने की है? टिकट कितने का है? एक टिकट 40 रुपए की टिकट। ये है हमारी टिकट, 40 रुपए की एक टिकट है। दिया मैंने टिकट। चलो भैया अंदर। टाइम तो नहीं है हमारे पास कि गाइड हम, हाँ हमारे पास सिर्फ एक घंटा, हमारे पास एक घंटा है, मतलब 2 बजे मुझे यहाँ से निकल जाना है। हाँ तो आप क्या 400 रुपीज आप चार्ज करते हैं? हॉट सीजन में 400, इन विंटर सीजन में 500। अच्छा आपका नाम? मेरा नाम प्रसाद है, के प्रसाद। के प्रसाद, आप सर्टिफाइड हैं? अच्छा मेरे कहाँ हर चीज रहता है। अच्छा लाइसेंस दिखाइए। अच्छा ये इनका कहना है ये गाइड है, तो इनको मैं सोच रहा हूँ कि अगर लेना है तो ले सकते। आप अगर नालंदा आते हैं और आप विजिट करना चाहते हैं तो यू कैन टेक गाइड सर्विसेज फ्रॉम देयर। उनका नाम प्रसाद है, मिस्टर प्रसाद। सो मेरे पास टाइम तो ज़्यादा नहीं है, सो लेट्स सी वी कैन एक्सप्लोर विद दिस गाइड। सो अच्छा ओनर्स हैं आप, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, टीटीएम हैं आप, टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। ट्रेवल मैनेजमेंट, आपका कार्ड दिखाइए। ये मेरा कार्ड है। अच्छा आपका नाम बताइए। संजय कुमार। संजय कुमार, चलिए 45 मिनट्स में खत्म करना है, ठीक है? पहले एक बोर्ड है वहाँ पे मैं रुकूंगा और थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा नालंदा का, उसके बाद स्पॉट पे चलेंगे। ओके ओके चलिए। चलिए
आपका नाम जरा एक बार फिर से बताइए। संजय कुमार, संजय टूरिस्ट गाइड को। संजय कुमार नालंदा टूरिस्ट गाइड। चलिए आज संजय जी के साथ 45 मिनट्स देखते हैं संजय जी क्या बता रहे हैं। अभी आपको माउंट दिख रहा है, ये फोटो सर 19-20 का है, है ना सर? यानी कि कह सकते हैं ये 100 साल पुराना फोटो है सर। और टेम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है सर, बिफोर एक्सकेवेशन, यानी कि खुदाई से पहले ये पूरा माउंट दिखता था। आप नालंदा के बारे में सर कहीं से भी आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो इसी का अंदर का फोटो पिक मिलता है। अच्छा, जो किताबों में आपको देखते हैं। ये 3rd century BC का है सर, बिफोर क्राइस्ट। ये शारीपुत्रा स्तूपा के नाम से जाना जाता है सर। तो जैसा ही मैंने शारीपुत्रा का नाम लिया सर, तो हम लोग 6th century BC में चले, आसानी से उनको रेफरेंस मिल सके, है ना? सो जस्ट टू फाइंड आउट द रेफरेंस इजीली, बिकॉज ऑफ G20 दे पुट ऑल दिस विद द डेट्स ऑफ एक्सकवेशन, सो दैट पीपल विल कम टू नो दैट वाज एक्सकवेटेड ड्यूरिंग व्हिच पीरियड। दिखाया सर, तो ये पार्ट मिले जो नजदीक से लिया गया, एक साइड का फोटो ये है सर, और पूरा साइड का ये फोटो है सर, बगल जो आप किताबों में देखते हैं, ये देखिए ये पूरा साइड का है। ये 70% सामने निकल करके आया सर, 30% रिनोवेटेड है सर, क्योंकि टाइम टू टाइम रिनोवेशन का काम चलते रहता है सर। क्लियर? नालंदा में स्वागत है सर। और बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं, लेकिन नालंदा का मीनिंग से नहीं पता होता है सर। लेकिन आपसे हम आप हमसे बहुत बड़े हैं सर, और आप हमारे अतिथि हैं सर, इसलिए मैं सॉरी सर, इस वर्ड के लिए सॉरी सर, क्योंकि मैं कभी यह नहीं सोचता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा जानकार हूँ। इसका नाम था नालंदा महाविहारा। नालंदा महाविहारा शब्द है सर, वो पाली लैंग्वेज है। ओके। और पहले पढ़ाई होता था सर पाली में और संस्कृत में, जो कि बुद्धि की लैंग्वेज थी सर, प्राकृतिक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और नालंदा सर दो शब्दों का मेल से बना है, आप भी नालंदा को डिफिनेशन कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो पहला वर्ड हो गया सर नालम, नालम संस्कृत वर्ड है सर। और नालम का है देना, टू गिव नॉलेज, वह स्थान जहाँ फ्री और कॉस ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। अच्छा लगा सर। और बहुत खुशी की बात है सर कि अभी अपना नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि यहाँ लिखा हुआ यूनेस्को 15 जुलाई 2016 को डिक्लेयर हुआ कि अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये यूनेस्को का साइट है सर। लेकिन हमारे भारत में इसको हैंडल करता है सर AASI, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया, पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जहाँ लोग फ्री में रहते थे और फ्री में पढ़ाई होता था सर। लेकिन उस समय सर अपने इंडिया में सर 3 फेमस यूनिवर्सिटी, पहला नाम आता है तक्षशिला का, दूसरा नालंदा, लेकिन सबसे फेमस रहा ये नालंदा सर, क्योंकि यहाँ सारा व्यवस्था फ्री में था और सबसे बड़ा था सर। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाले कुमार गुप्त थे सर, जो 5वीं शताब्दी 5th century AD सर, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का लड़का था, जिनको विक्रमादित्य भी हम लोग बोलते हैं सर, वो नालंदा के फाउंडर थे। फिर सेकंड किंग आए हर्षवर्धन, वो कन्नौज के राजा थे सर, कन्नौज UP state में पड़ता है सर। और हर्षवर्धन के ही पीरियड में आए थे चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो नालंदा का स्टूडेंट और बाद में वो यहाँ का लेक्चरर प्रोफेसर बना। और उन्होंने ही एक डायरी लिखा था सर, सी यू, हम लोग 10th class में पढ़े सर भारत यात्रा, यात्रा वृतांत, उसी डायरी के आधार पर इसकी खुदाई हुआ है सर। ये देखिए सर, जिस गेट से अभी हम लोग इन किए हैं, ये ओरिजिनल गेट नहीं है सर, अभी तक ओरिजिनल गेट नहीं मिला है सर, अभी तक नहीं, क्योंकि ये RCC ढलाई दिख रहा है। यहाँ देखिए हमारी सरकार इंडिकेट भी कर रही है, ये न्यू ब्रिक्स हो गए, ये RCC अभी का हो गया। और ये जो गड्ढे देख रहे हैं ना सर, ये गड्ढा नहीं है सर, ये बच्चों का रहने का कमरा है, जो एक कमरे में एक विद्यार्थी रहते थे, इच रूम इच स्टूडेंट सर। ये देखिए डोर है, दरवाजा है, देखने से लग रहा है डोर जैसा सर। और ये जितना दिख रहा है उतना ये और डीप है, अगर आपको यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है तो इस लेवल को मिलाते तो स्पष्ट होते कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं सर। तो नीचे पहला राजा, ठीक है सर, जो 5th century AD, ठीक है, फिर सेकंड हर्षवर्धन, फिर थर्ड 9th century AD देवपाल, जो धर्मपाल का लड़का था, और 12th century AD में डिस्ट्रॉय किया था सर बख्तियार खिलजी ने। और ये जो देख रहे हैं सर, ये ओल्ड ब्रिक्स है, ये ओल्ड ब्रिक्स है। सवाल ये उठता है इस ब्रिक्स में क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। 10 kilometers लॉन्ग एंड 5 kilometers वाइड था सर, ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ था सर, बाकी
90% पे विलेज है सर, आसपास का गांव है। ये मात्र 10% खुदाई हुआ है जो 22 साल अंग्रेज ने करवाया, फिर जब अपना देश आजाद हुआ तो 8 साल 1974 से 82 सर 8 साल 22 साल 30 साल सर। तो उस समय सर इसकी चारों दिशाओं में गेट हुआ करता था और तो आपको गेट पे ही टेस्ट देना पड़ता है। ओके। और आप अगर आंसर दे पाते तभी आपकी यहाँ पे एडमिशन होगी, अन्यथा पुनः अपना देश। और ये नहीं कि यहाँ बिहार और भारत के बच्चा पढ़ता था सर, पूरी दुनिया से आता था। चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, इंडोनेशिया, हर जगह से लोग आते थे सर। सोचिए सर, जहाँ का गेट कीपर इतना महान हो तो यहाँ के गुरु कैसे होंगे। नालंदा के थे सर राहुल भद्र, शीलभद्र, नागार्जुन, बसुमित्र, बसु संघा, तिष्ठिपंकर, हेनसांग, फाहिया, नरोपा, त्रिलोपा, बैरोचना, शांति देवा, शांति रक्षा, गुरु पद्म समूहा रख लेते हैं। समझ जाएंगे सर, यहाँ लिखा हुआ प्लान ऑफ द एक्सकेवेटर रिमेंस एट नालंदा, जो भी खुदाई करके मिला है उसी का ये लेआउट है सर। अभी हम लोग यहाँ से इनकर किस पॉइंट पे रुके हुए हैं सर, 1-2 प्लेटफॉर्म है ना सर, इस साइड 1-2-3 1-2-3, क्लियर हो रहा है सर। जहां भी आपको प्लेटफॉर्म दिखेंगे सर, ये मेडिटेशन योगा 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 10% में 11 मोनेस्ट्री सर, जहां बच्चे रहते थे, जो उनका ये कमरा हो गया सर। क्लियर। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा हो गया मॉनेस्ट्री एरिया सर, जो वहां तक लंबा पेड़ दिखाई दे रहा है सर, सारे मॉनेस्ट्री एरिया जी, जो 11 जहाँ स्टूडेंट रहते थे और पढ़ते थे सर। ओके। और ये ऊपर का लाइन सर, ये जिसका कि नेट पे किताबों पे जो आपको मैं बोर्ड दिखा रहा था सर, यहाँ से लेकर के सर एक लाइन से ये पूरा हो गया सर टेम्पल एरिया। ओके। टेम्पल में दो वर्ड मिले हैं सर, अस्तूपा वर्ड और अभी इंडोनेशियन ग्रुप आया था। ठीक है सर, असेंबली हॉल, असेंबली हॉल, प्रेयर हॉल, ये लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट डिसाइपल का है शारीपुत्रा। ठीक है, शारीपुत्रा का ये बहुत यूनिक वेल है, जो आप नालंदा आते हैं तो इस साइट को जरूर विजिट करें, बहुत कुछ लिखा हुआ है। इट्स अ वेरी यूनिक वेल, यू कैन सी सो मेनी थिंग्स आर रिटन हियर, वेरी यूनिक, वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज डू विजिट दिस साइट, इट इज इन द प्रीमाइसेस ऑफ म्यूजियम अपोजिट टू नालंदा। Going to see Black Buddha. Black Buddha देखने जा रहे हैं, नालंदा महाविहार के पास ही है। Turning back to Patna and then back to home from Nalanda Rajiv.